हेलो, आज मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस समझाता हूँ परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बीच में, बहुत ही इजी वे में। परसेंटेज तो आप सबको मालूम होगा क्या होता है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि आपके 100 मार्क्स में से आए 75 मार्क्स, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है अपना 75/100, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से 100 कैंसिल, 75 आपका क्या हो गया परसेंटेज। लेकिन जब आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और आपकी रैंक आती है उसमें 3rd रैंक आती है, तो आपकी परसेंटाइल कैसे निकलेगी। तो अपन न्यूमरेटर में तो लिखेंगे कि आपके पीछे कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, और नीचे लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी 3rd रैंक के टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो आपके पीछे कितने बच्चे हुए, 97 बच्चे हुए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 100, मल्टीप्लाइड किया इसको 100 से 100 कैंसिल, तो आपकी परसेंटाइल क्या हो गई, 97%। परसेंटाइल रैंक निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि आपकी क्लास में या फिर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया हो और टोटल 1000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और आपकी रैंक आई है 5th रैंक आई है, तो आपकी परसेंटाइल कैसे निकलेगी। तो टोटल 1000 स्टूडेंट में से आपकी रैंक है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, टोटल स्टूडेंट्स आपके पीछे कितने बचे, 995। तो ऊपर लिख लिया अपने टोटल स्टूडेंट्स बैंड यू अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गए 1000, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 100 कैंसिल, आपकी परसेंटाइल हो गई 99.5%। इस प्रकार हम 90% रैंक। अब डिफरेंस क्या होता है परसेंटेज और परसेंटाइल में। जैसे एक ही एग्जांपल ले लिया, इधर तो आपकी क्या है 75% बने और इधर आपकी 99.5% बने, इधर 97% बने। तो डिफरेंस परसेंटेज और परसेंटाइल में समझने के लिए, जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो तो हम वहाँ परसेंटाइल निकालते हैं। परसेंटाइल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आपकी रैंक कौन सी है या फिर आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स आए हैं, वो अपना परसेंटाइल होता है। जैसे इधर 97 आपके पीछे बच्चे हैं, तो आपकी परसेंटाइल क्या हुई 97, मतलब 97% आपके पीछे बच्चे हैं। इधर 99.5% बच्चे आपके पीछे हैं। इस तरह से हम परसेंटाइल फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। थैंक यू।